हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल स्टडी में आपका स्वागत है। तो आरपीएससी एएन का जो एग्ज़ाम आपका 17 को हुआ था, 2 to 4 की शिफ्ट में, तो उसमें कुछ एक क्वेश्चन हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। कुछ एक क्वेश्चन में आपको डाउट है, हमने उसको क्रॉस चेक भी किया है पूरा वेरीफाई करने के बाद। तो हमने उसकी एक रिवाइज फॉर्म जारी की है जो हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यह है आपका, एज ए प्रोडक्शन सिस्टम मूव्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट टू बैच एंड टू द मास प्रोडक्शन टू द कंटिन्यूस प्रोडक्शन। तो इसका आंसर आपका, जितना हमने सर्च किया है, फाइंड आउट किया है, तो आंसर आपका है द डिमांड वॉल्यूम इंक्रीज। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी अगर आपको लगता है और कोई इश्यू है इसमें, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। 21 में आपका आंसर सही है, जो हमने बताया था आंसर इसका हीटिंग बताया था, दैट इज़ करेक्ट आंसर। और कई सारी जगह पे आंसर दे रखा है हीटिंग एंड कूलिंग, तो हमने इसको अच्छे ऑथेंटिक सोर्स से ना सर्च करके फाइंड आउट किया है, आंसर हीटिंग है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। 22 का आंसर, यहाँ हमने 14,800 बताया था, वो गलत है। आंसर है आपका 1200। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपका 1200 आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, मूविंग टुवार्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। क्वेश्चन नंबर 34। इन द 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस द इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो इसका आंसर आएगा आपका 6, बिकॉज इसमें है ना, जो इंडिपेंडेंट स्ट्रेस पूछी आपसे, टोटल स्ट्रेस कितने होंगे कंपोनेंट वो नहीं पूछे। तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड और टो एक्स वाई बराबर होगा टो वाई एक्स के, तो वो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। तो इसकी वजह से है ना, तीन ये कंपोनेंट हैं नॉर्मल स्ट्रेस के और तीन सीयर स्ट्रेस के, तो टोटल मिला के आंसर हो जाएगा आपका 6। तो 6 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपका ये है, द कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल इज सेट टू बी चॉक्ड व्हेन। इसका आंसर हमने फाइंड आउट किया है, इसका आंसर है आंसर नंबर 4, मास फ्लो रेट थ्रू द नोजल रीचेस ए मैक्सिमम वैल्यू। तो आपका आंसर 4 इसका सही हो जाएगा। और आप एक बार क्रॉस चेक करके हमें और बताइएगा कमेंट में, आपको इसमें कोई इश्यू हो तो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है आपका 4, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। और यहाँ पे क्या है कि है ना, ये इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रेन हार्डनिंग के लिए पूछा है आपसे, तो ये आपका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। 68 क्वेश्चन में आपका जो एसिटिलीन वाला है, इसमें कन्फ्यूजन है, तो आप है ना, इसमें एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हमारे हिसाब से तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बिकॉज इसमें हमें ये नहीं बताया कि कौन सी एसिटिलीन फ्लेम है, न्यूट्रल फ्लेम है या कार्बोनाइजिंग फ्लेम है, इस वजह से इसमें कन्फ्यूजन है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 आंसर इज़ सी, दैट इज़ वी ऑलरेडी गिवन। इसमें कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि है ना, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सी होगा। हमने कई जगह पे सर्च करके फाइंड आउट करके इसको अच्छे लोगों से रिसर्च किया है, लोगों से आंसर के बारे में डिस्कस भी किया है, तो फाइनली हमें पता चला है कि है ना, जो थर्मल बाउंड्री लेयर की एज पे हो, उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, वो 0 होता है। तो आंसर इज़ 3। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज़ 99, जिसमें है ना, काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम थी, तो वो बिल्कुल सही थे, हमने उनको मान लिया, कई सारे लोगों ने कमेंट किया, हम काफ़ी थैंकफुल हैं उनके, उन्होंने हमें बताया इस बारे में। तो इसका आंसर है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। ओके, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन में बेसिकली क्या है कि जो आपका बुलेट केस है वो भी इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से बनता है, और जो आपकी टूथपेस्ट की ट्यूब है वो भी उसी के थ्रू बनती है। तो ये आपका, इसका आंसर सही है 99 का। ओके, तो ये सारे सारे क्वेश्चन हो गए, कुछ 6-7 क्वेश्चनों में प्रॉब्लम थी, बाकी सारे क्वेश्चनों का तो हमने सही से प्रोवाइड किया है। और इतने कम शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने, जैसे आपका एग्ज़ाम 4 बजे ख़त्म हुआ है, हमने बहुत सारे लोगों से एग्ज़ाम सेंटर पे भी डिस्कस किया कट ऑफ के बारे में। तो पिछली बार जैसे कट ऑफ दोनों पेपर का मिला के 70 था, तो इस बार है ना, इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा कि आप ये सोचें कि 200 ही पहुँच गया। और होपफुली जिनके 100+ हैं, वो आराम से एक बार है ना, RPSC AEN के आंसर की आने तक तो तैयारी करते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी होपफुली रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका हो जाएगा।
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हमने पूरी कोशिश करी है आपके साथ, है ना, पूरा जितना भी हम फेथफुल रह सकते थे, आपको पूरा ऑथेंटिक आंसर वगैरह प्रोवाइड करा सकते थे। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम बता सकते हैं, हम श्योरली उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। हमारा मोटो केवल यही है कि हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको गुमराह करें या इधर उधर गलत आंसर बताएं, इससे हमें कौन सा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यह है, ऑल द बेस्ट सबको, सब अच्छे से तैयारी करिए। जिनके भी 100+ हैं वो होपफुल रह सकते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेंस की आपको सोशल स्टडीज़ वगैरह, जो आपका सोशल आस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग है, इसकी तैयारी, हिंदी की तैयारी और टेक्निकल सब्जेक्ट्स, इसकी सारी की तैयारी हम करा देंगे, उसकी आप टेंशन ना लें बिल्कुल। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन, आपने इतना अप्रिशिएट किया हमारे काम को, हम आगे भी आपके लिए अच्छा अच्छा जो भी डिस्कशन होगा वो लेके आते रहेंगे। थैंक यू।